पिछले वीडियो में हमने एस्टीमेट फॉन्ट फेस पढ़ा था, आज हम एस्टीमेट फॉन्ट एट्रीब्यूट प्रीव्यू से पढ़ेंगे। इसमें तीन चीजों को हमको पढ़ना है, साइज, कलर और फेस। देखिए एट्रीब्यूट में साइज, कलर और फेस। साइज में आपको टेक्स्ट का साइज ले लेना है, कलर में कोई भी कलर्स को चूज कर लेना है, और फेस में नेम ऑफ फॉन्ट मींस फॉन्ट का टाइप आपको लेना है। ठीक है, इसके बाद है लिस्टिंग एचटीएमएल। इसमें हमें दो प्रकार की लिस्टों को पढ़ना है, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, तो थिंग्स आर डिफरेंट टुडे, मोस्टली एवरीवन हैज अनलिमिटेड टाइम एक्सेस टू द वेब, बट द बिहेवियर हैज नॉट चेंज मच, पीपल्स आर स्टिल इन ए हरी एंड दे डोंट लाइक टू रीड अ लॉट ऑफ टेक्स्ट, है ना, जब बहुत ज्यादा टेक्स्ट होता है, सो पुटिंग योर इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट सीम्स टू हेल्प। ठीक है, देयर इज अ टैब दैट आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लिस्ट लाइक नंबर आर रूटेड, देन विथ दैट टैब देयर इज अनदर टैब दैट आइटम साइज द लिस्ट। एचटीएमएल ऑफर सेवरल मैकेनिज्म फॉर स्पेसिफाइंग लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लिस्ट मच कंटेन वन आर मोर लिस्ट एलिमेंट लिस्ट में कंटेन। ठीक है, तो पहले हमें इसमें पढ़ना है ऑर्डर इंफॉर्मेशन। ठीक है, ऑर्डर इंफॉर्मेशन में तीन चीजें को ध्यान में रखना है, मेन टैग, लिस्ट आइटम और आउटपुट। ठीक है, तो ऑर्डर इंफॉर्मेशन कैन बी क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ ऑर्डर लिस्टिंग इन एचटीएमएल। ऑर्डर लिस्ट अलाउ यू टू क्विकली एंड इजीली डिस्प्ले इंफॉर्मेशन दैट इज इजी फॉर योर विजिटर टू रीड क्विकली। जब कोई भी लिस्ट हम अल्फाबेटिक जमा देंगे, ऑर्डर लिस्ट का मतलब है कि कोई भी लिस्ट है वो अल्फाबेटिक जम जाएगी, अरेंज हो जाएगी, है ना, तो उसको पढ़ने में आसानी होगी। ठीक है, दिस सेक्शन विल एक्सप्लेन हाउ टू मेक एन ऑर्डर लिस्ट, हम कैसे ऑर्डर लिस्ट को क्रिएट करेंगे, ऑर्डर लिस्ट में कैसे अपने टेक्स्ट को रखेंगे, उसके लिए हमें पहले मेन टैग, लिस्ट आइटम, फिर आउटपुट का ध्यान में रखना है। टू देखिए मेन टैग अभी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, टू स्पेसिफाई एन ऑर्डर लिस्ट यू नीड टू पुट इन द टैग फॉर द ऑर्डर लिस्ट, द टैग लुक लाइक ओएल, ओएल टैग के अंदर रखेंगे, द स्टार्टिंग टैग इज ओएल, ऑर्डर लिस्ट के लिए जो स्टार्टिंग टैग होगा क्या होगा, ओएल होगा, एंड द क्लोजिंग टैग इज फॉरवर्ड स्लैश में टैग के अंदर ओएल लिखना है। यू विल लर्न हाउ टू एड लिस्ट आइटम इन द नेक्स्ट सेक्शन। देखिए इसका सिंटैक्स बुक में बना हुआ, पेज नंबर 90 में, बॉडी टैग के अंदर लिखना है, फिर ओएल लिखना है, फिर उसको क्लोज करना है, फिर बॉडी को क्या करना है, फॉरवर्ड स्लैश से बंद करना है। ठीक है, तो ये इसका सेंटेंस हो गया, और इसी सेंटेंस के अकॉर्डिंग लिखेंगे, यानी जो टेक्स्ट है हमारा वो ऑर्डर लिस्ट में जम जाएगा। ऑर्डर लिस्ट का मतलब है कि अल्फाबेटिक जम जाएगा, मान लीजिए नेम ऑफ स्टूडेंट है तो वो 20 25 50 100 स्टूडेंट्स है तो उनके नेम ए से शुरू होकर जेड तक में अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद है लिस्ट आइटम, इसी में नाउ यू कैन ऐड द एक्चुअल टेक्स्ट दैट विल शो अप इन द लिस्ट फॉर्म, दिस गोज बिटवीन द टू ओएल टैग to put a list item you need to use the list tag which are necessary for each item, the starting tag is li, the closing tag is forward slash li, the text between the tag is what the list item, these li tag go between the ol tag, here is an example using the order list। देखिए आप लिस्ट में मैंने बताया था कि कैसे अरेंज करेंगे, तो बॉडी टैग लेंगे, ओएल लेंगे, फिर एल आई के अंदर लिखेंगे गेट इन, जैसे इसमें लिखा गेट इन आइडिया। ठीक है, ये एग्जांपल में बताया गया है। ठीक है, फिर इसको बंद किया गया है फॉरवर्ड स्लैश से, फिर एल आई क्रिएट ए वेब पेज, फिर इसको भी बंद किया गया है फॉरवर्ड स्लैश से एल आई से, फिर एल आई एडवर्टाइजेड या एल आई, देखिए एक एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक है, फिर ओएल टैग से इसको क्लोज किया गया है और बॉडी टैग से भी इसको क्लोज किया गया है। इसका जो आउटपुट होगा, देखिए तीन चीजें हैं, पहले गेट एन आइडिया, ठीक है, फिर क्रिएट ए वेब पेज, फिर एडवर्टाइजिंग, इसका आउटपुट इस टाइप से आपको मिलेगा। ठीक है, जिस टाइप से आप अरेंज कर रहे हैं आपके अरेंजिंग के हिसाब से भी होगा। ठीक है, तो ये एग्जांपल हो गया और उसका आउटपुट आपको यहाँ पर दिया गया है। अब हमको देखना है अनऑर्डर्ड इन्फॉर्मेशन, उसके भी तीन पढ़ना है, मेन टैग, लिस्ट आइटम्स और आउटपुट। ठीक है, अनऑर्डर्ड इन्फॉर्मेशन, अनऑर्डर इन्फॉर्मेशन कैन बी क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ अनऑर्डर लिस्ट इन एचटीएमएल। अनऑर्डर लिस्ट अलाउ यू टू क्विकली एंड इजीली डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन दैट इज इजी फॉर टू विजिटर टू रीड क्विकली। अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट्स लिस्ट व्हिच इंडेंटेड एंड ईच आइटम हैज बुलेटेड, द सेक्शन विल एक्सप्लेन हाउ टू मेक एन ऑर्डर लिस्ट। इस सेक्शन में पढ़ेंगे कि हम कैसे अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करते हैं, तो इसमें भी हमें मेन टैग, लिस्ट आइटम्स और आउटपुट को ध्यान रखना है और इन्हीं के अकॉर्डिंग करेंगे। तो मेन टैग में देखिए टू स्पेसिफाई एन ऑर्डर लिस्ट यू नीड टू पुट इन द टैग
फॉर द ऑर्डर लिस्ट द टैग लुक लाइक यूएल टैग के अंदर लिखेंगे द स्टार्टिंग टैग इज यूएल एंड द क्लोजिंग टैग इज फॉरवर्ड यूएल टैग के अंदर यू विल लर्न हाउ टू ऐड लिस्ट आइटम इन द नेक्स्ट सेक्शन। इसका सिंटैक्स है देखिए बॉडी है टैग के अंदर फिर यूएल टैग के अंदर फिर फॉरवर्ड एंड यूएल टैग के अंदर और फिर इसके बाद क्लोजिंग करेंगे बॉडी से टैग में। फिर इसके बाद हमें है ये हो गया मेन टैग में ठीक है। फिर इसके बाद होगा लिस्ट आइटम। लिस्ट आइटम में कैसे क्रिएट करेंगे आप नाउ यू कैन एड द एक्चुअल टैग्स दैट विल शो अप इन लिस्ट फॉर्म दिस गोज बिटवीन द टू यूएल टैग टू पुट ए लिस्ट आइटम यू नीड टू यूज द लिस्ट टैग व्हिच आर नेसेसरी फॉर ईच आइटम द स्टार्टिंग टैग इज एलआई होगा जो कि लिस्ट में अरेंज करना है एलआई टैग लेके और क्लोजिंग एलआई टैग होगा द टेक्स्ट बिटवीन द टैग व्हाट इज लिस्ट आइटम रीच एलआई टैग गो बिटवीन द यूएल टैग हियर इज एन एग्जांपल यूजिंग द ऑर्डर लिस्ट। इसमें देखिए एक एग्जांपल दिया गया है और ऑर्डर लिस्ट में अरेंज करने के लिए ठीक है। जैसे ये है बॉडी टैग एग्जांपल में देखिए आप पेज नंबर 91 में फिर यूएल लिया और उसको क्लोजिंग भी किया है ना लाइक गेट एन आइडिया लिखा है क्रिएटिव वेब पेज एडवर्टाइजेड अब उसको बॉडी कर दिया बॉडी से क्लोज कर दिया तो इसका आउटपुट भी यही होगा गेट एन आइडिया गेट एन आइडिया क्रिएटिव वेब पेज एडवर्टाइजेड क्योंकि यही लिखा गया है लिस्ट में एलआई टैग के अंदर तो इसका आउटपुट भी यही मिलेगा। तो अभी हमने क्या पढ़ा ऑर्डर लिस्ट पढ़ा और अनऑर्डर लिस्ट पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हाउ टू ऐड इमेज टू योर वेब पेज पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड डे थैंक यू।